हेलो दोस्तों, कैसे हो। अगर फर्श से अर्श पे जाना है तो मेहनत भी पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड से आने वाले क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद में सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, लेकिन ईजी क्वेश्चन नीट में सबसे पहले गलत होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा और ध्यान से सुनते जाएगा सीक्वेंस में कि अपन किस तरीके से मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी ग्लैंड जो है वो मेल और फीमेल दोनों के केस में होती है, मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है। मेल के केस में जो मेमोरी ग्लैंड है वो होती है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है इनएक्टिव ग्लैंड। तो यहाँ पे मेल के केस में इनएक्टिव हो जाती है मेमोरी ग्लैंड, फीमेल के केस में ये एक्टिव फेज में रहती है। और इसे अपन बोलते हैं कि ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये होती है मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड या फिर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का ये मॉडिफिकेशन होता है। कौन? मेमोरी ग्लैंड। फीमेल के केस में वेल डेवलप्ड होता है। अब बोलते हैं जो मेमोरी ग्लैंड का जो शेप और साइज है वो किस पे डिपेंड करता है। क्या मेमोरी ग्लैंड का जो शेप और साइज है, जैसे ब्रेस्ट का शेप और साइज जो है वो, अगर उसका साइज बड़ा या फिर छोटा है तो क्या वहां पे मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेशन है? तो बोलते हैं नहीं, मिल्क के प्रोडक्शन से कोई इसका रिलेशन नहीं है। ब्रेस्ट का साइज और शेप जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है डिपोजिशन ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो यहाँ पे मैंने जो ये जो ब्लैक कलर से ये मैंने राउंड राउंड बना रखा है ना, ये सब है एडिपोज टिश्यू। तो इसे अपन लिख रहे हैं यहाँ पे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का जो डिपोजिशन है उसके बिहाफ पे ही क्या होता है, शेप एंड साइज डिपेंड होता है। शेप एंड साइज ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का शेप और साइज यहाँ पे इस पर डिपेंड करता है, समझ गई। इसके बाद में यहां से चलते हैं अपन। देखो, ये मैंने जो डॉट करके दिखा रखा है, ये मैंने डॉट करके जो दिखा रखा है ये क्या है, ये है रिब्स। ये रिब्स है, इसके रिब्स के साथ में ये मसल्स लगी हुई है। तो ये मैंने लाइन से बना रखी है, ये क्या है, मसल सेल। और इन मसल सेल का नाम है यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। तो ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है और ये यहाँ पे रिब्स है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो मेरा रेड कलर से जो बना रखा है ये स्किन सेल। स्किन सेल के जस्ट नीचे यहाँ पे जो डिपोजिशन है वो डिपोजिशन है किसका, फैटी टिश्यू का, मतलब एडिपोज टिश्यू का यहाँ पे डिपोजिशन है। और उसी के बिहाफ पे यहाँ पे अपन ने शेप और साइज की बात करी। इसके बाद में इसके अंदर जब अपन जाएंगे, इसके अंदर जब अपन चेक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी लोब मिलते हैं। भाई मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी लोब मिलता है, ध्यान से देखिएगा। ये मेमोरी लोब है, ये भी मेमोरी लोब है, ये भी मेमोरी लोब है, ये भी मेमोरी लोब है। इतने ये जो लोब है ये कितने होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड में, तो एनसीईआरटी का डाटा लेके चलेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 15-20 मेमोरी लोब होते हैं ईच मेमोरी ग्लैंड। अब यहाँ पे देखो ऐसे कितने हैं, 15-20 मेमोरी लोब। इस मेमोरी लोब में यहाँ पे कुछ एल्वियोलर सेल होती है, कुछ एल्वियोलर सेक होता है। जैसे ये यहाँ पे लिख रखा है मेमोरी एल्वियोलस। इस एल्वियोलस में क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती है। और ये बहुत सारी सेल क्या बनाती है, ये बहुत सारी सेल यहाँ पे मिल्क सिक्रेशन करती है। अब ये मिल्क सिक्रेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये सेल यहाँ से मिल्क सिक्रेशन करती है। और ये मिल्क सिक्रेशन करती है कहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसे अपन बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है खाली जगह। तो ये जो मिल्क सिक्रेटरी सेल्स है इनके बीच में यहाँ पे खाली जगह है और ये यहाँ पे मिल्क का सिक्रेशन कर देती है। और ये मिल्क का सिक्रेशन फिर यहाँ से ऐसे कैरी ऑन हो जाता है। अब देखो हर एक एल्वियोलस सेल जो है, एल्वियोलस पार्ट है, वो सब मिलके एक कॉमन पार्ट बनाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ये जो डक्ट आ रही है इस कॉमन डक्ट का नाम है मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट से यहाँ से ये सेल निकल के इस तरीके से फ्लो होती है। ऐसी ही मेमोरी डक्ट इधर से आ रही, ऐसी ही मेमोरी डक्ट हर एक मेमोरी लोब से आएगी और ये सब मिलके एक बल्ज पार्ट बनाती है। अब मैंने आपको यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये देखो, ये जो अगर ये जो डक्ट है, ये डक्ट ऐसे चल रही होती है ऐसे ऐसे, इसका डायमीटर चेंज नहीं होता, तो इसे अपन यहाँ पे मेमोरी डक्ट ही बोल रहे होते। लेकिन इस मेमोरी डक्ट के बीच में ऐसे बल्ज पार्ट आ गया। देखो जहां पे भी किसी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में किसी भी ऐसे डक्ट वाले पार्ट में कोई बल्ज पार्ट आ जाए बीच में, उस हर जगह उस पार्ट को अपन एम्पुला बोलते हैं। जैसे एम्पुला कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में, याद करो फेलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला होता है जिसे अपन फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी एक एम्पुला साइट होता है, किससे, सेमिनल वेसाइकल से जस्ट पहले, उसे भी अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। तो एम्पुला क्या है, एक बल्ज पार्ट है एम्पुला यहाँ पे। अब ये एम्पुला कैसे बनता है, एम्पुला बनता है बहुत सारी मेमोरी डक्ट के फ्यूजन से, एक बड़ा एक यहाँ पे चेम्बर बनता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला में क्या होता है, मेनली यहाँ से आने वाला जो मिल्क है, हर जगह से आने वाला मिल्क क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे मिल्क स्टोरेज का काम होता है किसमें, एम्पुला में। उसके बाद में ये एम्पुला जिस डक्ट में आगे ओपन होता है उस डक्ट का नाम है
लैक्टिफेरस डक्ट। देखो लैक्टिफेरस डक्ट का मतलब है यहां पे लैक्टोज, लैक्टोज शुगर होती है मिल्क में, इसे बोल दिया लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से यहां पे मिल्क का जो सिक्रेशन है वो इस तरीके से आगे बढ़ता है और ये फाइनली कहां पे पहुंच जाता है, ये फाइनली पहुंच जाता है निपल वाले पार्ट में, और एक बेबी इस निपल को जब सक करता है तो उसके यहां से मिल्क का सिक्रेशन इस तरीके से फ्लो हो जाता है। अब यहां पे देखो, यहां पे मेमरी ग्लैंड की जो ये निपल वाला पार्ट है, इस निपल वाले पार्ट के ऐसे ऐसे चारों ओर ऐसा कुछ थोड़ा सा डार्क स्ट्रक्चर मिलता है और इस डार्क स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एरियोला। इसमें कुछ पिगमेंटेशन हो जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं, एरियोलर टिश्यू इसे अपन बोल सकते हैं, एरियोला इसे अपन बोलते हैं। ये मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मिल्क का इजेक्शन होता है, किस तरीके से मिल्क का सिक्रेशन होता है, हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से मेमरी ग्लैंड पे काम करता है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। इधर मैंने एक माँ बना रखी है, ये माँ देखो एक एक बच्चे को इस निपल से दूध पिलाएगी, तो ये जो निपल है इस निपल को बेटा यहाँ से एक जो बच्चा होता है छोटा बच्चा वो यहाँ से सक करेगा तो क्या होगा, इस निपल वाले पार्ट में कुछ क्या होते हैं, कुछ यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। वो रिसेप्टर कहाँ से कनेक्ट होते हैं, वो रिसेप्टर कनेक्ट होते हैं कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होती है, एक होती है एंटीरियर, जैसे ये वाली ये मेरे दोनों हाथ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दोनों हाथ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये वाला जो लोब है ये वाला लोब ये एंटीरियर पार्ट है और ये पीछे वाला लोब क्या है, पोस्टीरियर पार्ट। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब है, एंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में मैंने आपको बताया एफएसएच और एलएस सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पे सीक्रेट होता है एक तो ऑक्सीटोसिन और एक यहाँ से सीक्रेट होता है एडीएस, जिसकी आगे अपन बात करेंगे, एडीएस एंटी डायुरेटिक हार्मोन, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। देखो ये रिसेप्टर यहाँ पे इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट में जाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन का काम है इस मेमरी लोब में अगर मिल्क फॉर्म हो चुका है तो वो मिल्क को इजेक्ट कराएगा, इजेक्शन कराएगा मिल्क का। तो मिल्क इजेक्शन में सबसे बड़ा रोल होता है ऑक्सीटोसिन का, क्योंकि ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करता है, समझ गए मेरी बात। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे, तो इसी पोस्टीरियर पार्ट में एक हार्मोन और होता है जिसका नाम है पीआरएच हार्मोन। पीआरएच का मतलब है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये यहाँ पे लैक्टेशन कराता है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो लैक्टेशन कराता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है और ये मिल्क के प्रोडक्शन के बाद में यहाँ पे मिल्क फॉर्म होता चला जाता है और इस तरीके से एक मैकेनिज्म से एक बेबी क्या करता है, मिल्क सक कर लेता है। इस तरीके से आपको ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि इस हार्मोन का क्या रोल है। तो आपको यहाँ से एक एक बात ये भी याद रखनी है कि जो ओएस्ट्रोजन है, ओएस्ट्रोजन या फिर इसे अपन बोलते हैं ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन भी बोलते हैं या फिर ओएस्ट्रोजन भी बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है। ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो मेनली सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के केस में, और वो यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को कंट्रोल करता है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन कहीं ना कहीं मेमरी ग्लैंड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, मतलब मेमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है ईस्ट्रोजन का। उसके बाद में मिल्क का फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन कराता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कराता है और निपल में कुछ रिसेप्टर होते हैं जो यहाँ पे इसको पॉजिटिव फीडबैक भेजते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बार बार इंजेक्शन होता है, समझ गई मेरी बात। इस तरीके से मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो गया होगा और आप इस सारे स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। तो यहाँ से अब यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन तो क्या बनता है कि मिल्क का जो पाथवे वो बताइएगा। तो मिल्क का पाथवे आप खुद ही देख लो यार, मिल्क का पाथवे क्या है, मेमरी लोब में क्या है, एल्वियोलस है, एल्वियोलस से मिल्क चलता है तो वो कहाँ पे आता है, एल्वियोलस की ल्यूमेन में आता है, उसके बाद में वो कहाँ पे आता है, मेमरी डक्ट में आता है। तो इसी तरीके से आप ये ऐसे लाइन बना सकते हैं कि इस मेमरी लोब में क्या है, ये है मेमरी, इस लोब से कहाँ पे आता है, मेमरी डक्ट में आता है, फिर कहाँ पे आता है, मिल्क एम्पुला में आता है, फिर कहाँ पे आता है, एक्टिफेरस डक्ट में आता है, और फिर कहाँ पे आता है, निपल में आता है। ये पाथवे भी तुम्हें याद रख लेना है, ये पाथवे नीट में बार बार पूछा जाता है और फिर से पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हार्मोन का रिलेशन आपको पता रहना चाहिए, इस तरीके से ये मेमरी ग्लैंड वाला पार्ट खत्म होता है। ओके, थैंक यू।